आप लोगों का स्वागत है मैं उत्तराखंड सीरीज के अंदर माई सेल्फ सरदार जट। आज अपन बात करेंगे नैनीताल के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाकर सब्सक्राइब कर लें। अगर अपन नैनीताल की बात करें तो नैनीताल उत्तराखंड का एक खूबसूरत शहर है जिसे इंडिया का छोटा स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप नैनीताल कैसे जा सकते हैं या वहाँ पे घूमने की क्या क्या जगह है, कहाँ रुकना है, कितने दिन घूमना चाहिए या कितना आपका खर्चा बैठेगा। और एक बात और बताऊँ, मैं जिस भी पॉइंट का जो डिस्टेंस बताऊँगा वो तिल्लीताल बस स्टैंड से ही बताऊँगा। चलो अपन पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगह है नैनीताल में जो कि घूमने लायक है। अपना जो पहला पॉइंट है वो है नैनी झील। अगर अपन नैनी झील के बारे में बात करें तो नैनीताल के अंदर जितनी भी झील है ना, सबसे खूबसूरत झील यही है। अब बात है कि आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। आप इस झील में बोटिंग कर सकते हैं, आप सेल्फ बोट चला के भी ले जा सकते हैं या आप बोटिंग वाला भी रख सकते हैं। इन दोनों में चार्ज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। फिर बात है कि इसके टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक। और अगर आपको नैनी झील जाना था, आप कैसे जाओगे उसके लिए आपको तिल्लीताल बस स्टैंड से मात्र 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि आप पैदल भी जा सकते हो या आप बाई ई रिक्शा भी जा सकते हो। दूसरा आता है माल रोड। अगर अपन माल रोड के बारे में बात करें तो माल रोड पर कई प्रकार की शॉप्स है, रेस्टोरेंट है, ये सब कुछ आपको माल रोड के ऊपर मिलेगा। वहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। अगर बात है कि यहाँ पे ये मार्केट कब से कब तक खुला रहता है, तो सुबह 9 से लेकर रात को 10 बजे तक खुला रहता है। वहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। आप फिर आता है कि आप कैसे पहुँच सकते हो, तो माल रोड पहुँचने के लिए अगर आप नैनी झील जा रहे हो तो वहाँ उसके पास में ही है। अगर आप तिल्लीताल बस स्टैंड से जा रहे हो तो 1.5 किलोमीटर दूर है। फिर आता है आपका नैना देवी मंदिर। अगर अपन नैना देवी मंदिर की बात करें तो ये जो नैना देवी मंदिर है वो मिलीताल क्षेत्र के अंदर है। मिलीताल क्षेत्र के लिए क्या है कि जो आपका नैना झील है उसको दो क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका मिलीताल, एक तिल्लीताल। जो ये मंदिर है वो मिलीताल क्षेत्र में बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि जब वो माता सती का जो बाई यहाँ गिरा था, जिसकी वजह से झील बनी, उसी झील के पास में ही मंदिर बनाया गया जो कि नैना देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग माता सती की आँख की कलाकृति की पूजा करते हैं। अब बात है कि यहाँ पर प्रवेश टाइम की बात करें, सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक पहुँचना कैसे था, तिल्लीताल बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो आप वही बात, आप पैदल भी जा सकते हो या ई रिक्शा से भी जा सकते हो। फिर आता है इको गुफा पार्क। अगर अपन इको गुफा पार्क की बात करें तो ये हमेशा से टूरिस्टों की पसंदीदा जगह रही है। बिकॉज क्योंकि इसके अंदर है ना बहुत सारी गुफाएं, बहुत सारे जानवरों की गुफा है, जैसे चीता की गुफा है, चमगादड़ की गुफा है, उड़ने वाली लोमड़ी की गुफा है, बंदरों की गुफा है, पैंथर की गुफा है। और इस गुफा में रोशनी के लिए पेट्रोलियम लगे हुए हैं। अगर अपन टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक इसका टाइमिंग है। और अगर एंट्री फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर एंट्री फ़ीस है, प्लस अगर आप अपना कैमरा ले जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 30 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। फिर बात है कि अपन कैसे पहुँच सकते हैं, तो आपको इको गुफा के लिए, ये ना मिलीताल क्षेत्र के अंदर ही है, तो वहाँ से आप माल रोड से 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर है, तो आप पैदल भी जा सकते हो 5 से 10 मिनट के अंदर। फिर आता है स्नो क्यू पॉइंट। अगर अपन इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट बहुत ही आकर्षक के अंदर है, क्योंकि यहाँ से आप ना बर्फ़ वाले पहाड़ देख सकते हो। और इस पॉइंट के ऊपर एक दूरबीन भी लगाई गई है जिसके द्वारा आप जो हिमालय की जो चोटियाँ हैं उसको भी देख सकते हो। अगर यहाँ पे अपन जाने की बात करें तो दो तरीके से जा सकते हो। एक तो आप माल रोड से डायरेक्ट केबल कार से जा सकते हो, दूसरा आप तिल्लीताल बस स्टैंड से 3.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर आप पैदल भी जा सकते हो। मैं पैदल जाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इसका रास्ता है वो बहुत ही आकर्षक है, सीधा पहाड़ों से होता हुआ जाता है, तो आप पैदल भी जा सकते हो। फिर आता है नैनीताल जू। अगर अपन नैनीताल जू के बारे में बात करें तो उत्तराखंड का सबसे पुराना जू है, जो कि 1 जून 1995 के अंदर खोला गया था और ये 11 एकड़ के अंदर फैला हुआ। यहाँ पे कई प्रकार के आपको जानवर और पक्षी देखने को मिलेंगे। अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 10:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक खुला रहता है और इसके अंदर कोई आपको एंट्री चार्ज नहीं देना पड़ता। अगर अपन यहाँ जाने की बात करें तो तिल्लीताल बस स्टैंड से मात्र 2 किलोमीटर दूर है, तो आप यहाँ पे साधन से भी जा सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप पैदल जाओगे तो 20 मिनट लगेगा। और
फिर आता है राजभवन। अगर अपन राजभवन के बारे में बात करें तो 1900 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। राजभवन को गवर्नर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम में जो उत्तराखंड के गवर्नर है वो आपके राजभवन के अंदर रहते हैं। राजभवन में 113 कमरे हैं और फूलों की कई सारी प्रजातियाँ हैं। और वहाँ पे आपको गोल्फ मैदान देखने को मिलेंगे, स्विमिंग पूल से बलूत के पेड़ देखने को मिलेंगे। अगर एंट्री टाइम की बात करें तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और जिसका एंट्री फीस है वो 50 रुपये पर हेड है। अगर यहाँ पहुँचने के लिए आपको तिलीताल बस स्टैंड से क्या किसी भी ई रिक्शा या साधन से आप जा सकते हो, जो कि 3.5 किलोमीटर दूर है। फिर आता है नैना पीक। अगर अपन नैना पीक के बारे में बात करें तो नैनीताल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसको चाइना पीक या चीना पीक के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पर ट्रैकिंग भी कर सकते हो आप, और यहाँ पे आप घोड़े की सवारी करके भी जा सकते हो। जब आप यहाँ पर ट्रैकिंग कर रहे हो तो खाने पीने का सामान आपको साथ लेके जाना है, क्योंकि रास्ते में कुछ भी नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो ट्रैकिंग है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे के बीच में आप कर सकते हो। और यहाँ पहुँचने के लिए आप तिलीताल बस स्टैंड से 7.5 किलोमीटर दूर है, तो आप माल रोड तक किसी साधन में जा सकते हो। बाद में वहाँ से आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो या घोड़े की सवारी करके भी जा सकते हो। फिर आता है टिफ़िन टॉप। अगर अपन टिफ़िन टॉप के बारे में बात करें तो नैनीताल का खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है, जिसको डोरथो की सीट के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे ये रीज़न है कि जब पर्यटक नैनीताल की ट्रैकिंग करते हैं तो वो डोरथो की सीट पर जाके अपना लंच करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है टिफ़िन टॉप। यहाँ पर आप सुबह 8 बजे से शाम को 5:30 बजे तक जा सकते हो। और यहाँ जाने के लिए आपको तिलीताल बस स्टैंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप वैसे भी जा सकते हो या फिर माल रोड से आप घोड़े की सवारी करके भी जा सकते हो। फिर आते हैं केबल कार। अगर अपन केबल कार के बारे में बात करें तो पर्यटकों का सबसे पसंदीदा वे है, हर कोई इसमें बैठना चाहता है। आप इसके द्वारा विद इन 3 मिनट के अंदर नैनीताल से स्नोकी पॉइंट पहुँच सकते हो। बेसिकली ये मिलीताल क्षेत्र के अंदर है, तो ये सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाता है और शाम को 4:30 बजे तक चलता है। यहाँ पहुँचने के लिए आप या तो डायरेक्ट मिलीताल क्षेत्र में चले जाओ या फिर तिलीताल बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर है, आप वैसे भी जा सकते हो। फिर इसके बाद में आता है पनकोट। अगर अपन पनकोट की बात करें तो नैनीताल का एक खूबसूरत विलेज है, जो कि नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ पर रुक सकते हो। अगर आप नैनीताल से कंपैरिजन की बात करें रुकने की, तो यहाँ पर काफ़ी सस्ता है। आप यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो। फिर आता है कि नैनीताल कब जाएं। वैसे तो नैनीताल एक ऐसा शहर है जहाँ पर आप वर्ष के 12 महीने भी जा सकते हैं। फिर भी यदि आप नैनीताल में मौजूद हर चीज़ का आनंद उठाना चाहते हैं तो मार्च से जून तक का समय सबसे अच्छा रहता है। इतनी गर्मी के अंदर भी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री के पास ही रहता है। अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हो तो आपको दिसंबर से फरवरी के बीच में आना चाहिए, और जुलाई से लेकर सितंबर यहाँ पर बारिश का मौसम होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस टाइम आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा माउंटेन एरिया है, तो यहाँ पर कभी भी पहाड़ गिर सकते हैं या ज़मीन धंस सकती है, ऐसा कई सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। कल कैसे पहुँचे? आप नैनीताल बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं। अगर आप बाय रोड से जा रहे हो तो हरिद्वार से नैनीताल की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर की है। फिर आता है आपका बाय एयर जो नैनीताल का जो सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो आपका पंतनगर है, जहाँ से नैनीताल की दूरी 65 किलोमीटर है। आप बाय ट्रेन से भी जा सकते हैं। वैसे नैनीताल के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, आपको नैनीताल जाने के लिए पहले हल्द्वानी के काठगोदाम रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। वहाँ से नैनीताल का दूरी 35 किलोमीटर है, जो वहाँ से आप टैक्सी के द्वारा भी जा सकते हैं। अगर गाइज आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।